बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि भाई कमेंट बहुत अजीब और गरीब करते हैं यार मुझे नीचे। मैं हकीकत बात है यार, झूठ नहीं बोलता हूँ। जो बात यार मुझसे समझदार बहुत सी दुनिया आप में मौजूद है, जिनको सऊदी अरेबिया में भाई 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए, वो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो मामला सामने आ रखे हैं उनको देखते हुए बात करता हूँ मैं अक्सर। जैसे कि मैंने ईद के ऊपर बोला 50 के ऊपर जाएगा, 50 के ऊपर चला गया रियाल। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ईद के बाद ये फिर से 50 क्रॉस करेगा। अभी आज का यानी कि आज वर्किंग शुरू हो चुकी, वैसे तो मंडे वाले दिन से वर्किंग शुरू होगी हुकूमती सतह पर, लेकिन अभी से काम शुरू हो चुका है। बहरहाल आज काम क्या शुरू हो चुका है ये आपको पहले दिखा दूंगा। आप डॉलर के मुतालिक पहले देख लें जी, 185.69 रुपये के ऊपर रुका हुआ था पिछले 3-4 दिन से, अभी एक ही दम से आज 186.63 रुपये, यानी कि 1 रुपये बोल रहे हैं यार 95 पैसे एक ही दिन में बढ़ गया है। इसी हिसाब से रियाल के ऊपर भी असर पड़ चुका है। रियाल एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहले आप देख लें 49.52 रुपये होता था, आज 49.73 रुपये हो चुका है। और अगर इंडिया की बात करें 20 टके की बात करें तो 23.15 रुपये हो चुका है। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको बताऊँ, मैं ANB बैंक की बात करें तो भाई इस वक्त 49.10 रुपये और 15 रन फीस के साथ, एंड मनीग्राम की बात करें तो 49.13 रुपये 23 रन फीस के साथ, वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 49.07 रुपये 23 रन फीस के साथ, राजीव बैंक की बात करें तो 49.02 रुपये 10 रियाल 17 रियाल 23 रियाल 3 किस्म की फीस के साथ ये पैसे भेजते हैं। STC पे की बात करें तो 48.99 रुपये और 17 रियाल 25 हलाले फीस के साथ, बैंक जजीरा की बात करें तो 48.98 रुपये 10 रियाल फीस के साथ, इंजाज बैंक की बात करें तो 49.07 रुपये 10 रियाल 17 रियाल एंड 23 रियाल फीस के हिसाब से। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। एक्सचेंज रेट मैंने आपको क्या बताया 49.73। 2-4 दिन ठहर जाइए, 50+ पे चला जाएगा। मैं आपको